भाइयों, मैं मिथुन वर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे मोरी गोल्ड फ्लावर चैनल पे। आइए आपको गेंदा के फूलों के बारे में बताते हैं कुछ। चलिए आइए आपको दिखाते हैं। आइए आप देख सकते हैं गेंदा के फूलों में। इस समय हमारे यहाँ बारिश हो रही है, जो कि इस समय बारिश होती नहीं है, लेकिन इस बार बारिश हो रही है। पहले ही देख सकते हैं आप, ये मई का लास्ट मई का आखिरी डेट चल रहा है। इस समय बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं फूलों को। ये फूल पीला कलर का है, देख सकते हैं पानी इस पे पड़ने के कारण देख सकते हैं ऐसे फूल दागी आ गया है और यह फूल सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। और देख सकते हैं आप लाल फूलों को भी, आप देख सकते हैं इस पर भी पानी पड़ रहा है, लेकिन यह खराब नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यह फूल बारिश में चल सकता है। लाल फूलों को हम बारिश में लगा सकते हैं, बारिश में चला सकते हैं। बारिश में हमें इसको फूलों को आराम से लगा के आराम से इसको फुलाया जा सकता है, लेकिन पीला कलर को हमें बारिश के मौसम में नहीं लगाना चाहिए। इसको हम अगर बारिश में लगाएंगे तो बारिश होने के कारण इस पर जो पानी पड़ता है और इसके अंदर चला जाता है, जिसके कारण यह फूल 1 से 2 दिन बाद उसमें दागी आ जाता है और वह फूल सड़ने लगता है, जिससे हमें काफ़ी नुकसान होता है। आइए आपको और भी कुछ दिखाते हैं। आइए आपको ले चलते हैं थोड़ा और अंदर। आप देख सकते हैं, अब जितना भी देखिए इस समय पौधों को आप देख सकते हैं, काफ़ी हरे भरे पौधे हैं। इस समय फूल काफ़ी अच्छे आएगा और इस समय हमें केवल नुकसान यही होता हो रहा है, क्योंकि जो पीला कलर का हमारा फूल है वो सभी फूल लगभग लगभग दागी पड़ गए हैं। आप देख सकते हैं इस समय आपको दिखाई दे रहा होगा, और आप देख सकते हैं यहाँ भी कुछ फूल है जो जिसमें दागी होगी आ गया है, आपको दिखा दे रहे हैं। और आप लाल को देख रहे होंगे, आपके लाल फूल दिख रहे होंगे आपको, इसमें दागी नहीं है क्योंकि यह बारिश में चल सकता है फूल। आइए और आपको ले चलते हैं। आपको एक सबसे बड़ा कारण एक बारिश में यह होता है, आप देख सकते हैं आपके सामने दिखाई दे रहा होगा यह पीला कलर का पौधा है, ये सूख गया है। ये सूख गया है, इसका कारण यही है कि पानी पड़ने की वजह से इसके जड़ी में पानी लगा थोड़ा, जिसके कारण इसका जड़ी उकट गया। और आप देख रहे होंगे लाल पौधों का जड़ी नहीं उकट रहा है अभी भी एक भी, और पीला का उकट रहा है, क्योंकि पीला बरसात के समय में नहीं किया जाता है। हाँ, फिलहाल ये बरसात का मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी मानसून पहले आ जाने के कारण बारिश आ गई है, जिसके कारण हमको यह देखना पड़ रहा है कि हमारा फूल काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। इस समय फूलों का मार्केट भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, हम फूलों को मार्केट भी नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि भीगा हुआ फूल मार्केट नहीं ले जा सकता। आइए आपको और भी दिखाते हैं। देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छे फूल लगे हैं, फूलों में काफ़ी चमक है। देख सकते हैं आप पीला कलर का फूल, देखिए कितना चमक इसमें है। अब बारिश समय देखिए फूलों और पौधों में काफ़ी चमक रहता है। देख सकते हैं आप, हम पौधों को थोड़ा हिला रहे हैं, इसमें पानी झर रहा है। अब और भी आगे देख सकते, देखिए इस फूल में काफ़ी पानी भरा है, देख सकते हैं। इसको ऐसे भी छोड़ देंगे हम तब पर भी यह ख़राब नहीं होगा, देखिए। लेकिन अगर पीला फूल को आपको दिखाएं तो वो दागी पड़ चुका है, देखिए पीला फूल हमारा है, जिसमें पानी रुकने कारण यह 1 से 2 दिन के अंदर ही दागी हो गया। ऐसे ही बहुत सारे फूल है जिसमें दागी आ गया। आपको लाल कलर का फूल दिखाई दे रहा होगा, उसमें आपको नहीं दिख रहा होगा कि दागी, लेकिन पीला में आपको दागी दिख रहा होगा। फूल भी काफ़ी लग गए हैं, हमें तोड़ने का समय हो गया था, तोड़ नहीं पाए किसान भाई, जिसका नुकसान आपको किसान भाइयों को देखना पड़ा। किसान कम से कम 5 बिस्तों में लगाया गया फूल है, 5 से 7 बिस्ता है। हमारे किसान भाई राजा राम जी का है, यह इनको 3 से 4 दिनों का मार्केट था यह, जिसमें उनको 8 से 10 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया, 10 हज़ार रुपये कम से कम नुकसान हुआ उनको। इसीलिए आपसे निवेदन है, अगर आप लोग खेती कर रहे हैं तो आप लोग खेती करिए, लेकिन बरसात के मौसम में नहीं। बरसात के सीजन में अगर आप खेती कर रहे हैं
तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान यही रखना होगा, क्योंकि फूलों का जो आता है उसको सबसे ज़्यादा आपको देख के करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फूल आपको पीला कलर का भी मिल जाएगा, रेड कलर का भी मिल जाएगा, जिससे आपको नुकसान ना हो वह फूल आप लगाइए। आप लाल कलर का फूल लगा सकते हैं, पीला कलर का आपको नहीं लगाना है, बस सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हम जब नया एक वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जैसे